भी टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया यानी आजकल समाज में हमारे नॉर्मल पब्लिक में ऐसी मान्यता होती है यानी टेस्ट ट्यूब बेबी यानी बाहर का गर्भ यानी किसी और का गर्भ। लेकिन मित्रों मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि टेस्ट ट्यूब बेबी बाहर का गर्भ वो पॉसिबल ही नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर पेशेंट के खुद के स्त्री बीज और उनके ही हस्बैंड के खुद के शुक्राणु जो शरीर में फलित नहीं हो सकते, शरीर में जो गर्भ नहीं बना सकते, उसको हम 10 से 12 दिन इंजेक्शन दे के वो स्त्री बीज को हम शरीर से बाहर लेते हैं, हस्बैंड के शुक्राणु के साथ उसका फलन क्रिया करते हैं और फिर जो गर्भ तैयार होता है वो तैयार हुआ गर्भ गर्भाशय में रखते हैं। ये प्रक्रिया जितना लोगों में मान्यता है उतनी जटिल नहीं है। हाँ, इसमें ज़रूरत से जो नॉर्मल होता है उससे थोड़ी दवाइयाँ ज़्यादा लगती है। जैसे कि पेशेंट को पीरियड का दूसरा दिन आता है तो उस दिन से हम इंजेक्शन शुरू करते हैं, वो इंजेक्शन तकरीबन 10 से 12 दिन रोज़ लगते हैं। इंजेक्शन लगने के बाद जब स्त्री बीज बन जाता है फिर उसकी टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया के बाद लोगों को ये भी मान्यता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में हमको 3 से 4 महीना आराम करना पड़ता है, हम काम नहीं कर सकते, वो भी एक गलत मान्यता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया करने के बाद, गर्भ रखने के बाद खाली 48 से 72 घंटे ही आराम की ज़रूरत होती है। उसके बाद अगर पेशेंट खुद जॉब कर रहा हो, नॉर्मल जो हाउस होल्ड वर्क है वो सब काम कर सकता है, जो बाहरी चीज़ वाला काम है वो सब और शारीरिक संबंध, ये 2-3 चीज़ें ही हम उनको अवॉइड करने का एडवाइस करते हैं, बाकी सारा काम वो कर सकता है। गर्भ रखने के 15 दिन के बाद एक ब्लड का रिपोर्ट होता है और उसके आधार पर पता चलता है कि प्रेगनेंसी पेशेंट को रही या नहीं। तो व्यंध्यत्व मित्रों, जो चीज़ आज हमने आपको बात की है उसमें उसके बेसिक कारण कौन से हैं वो पहले जानना ज़रूरी है और इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। प्रेगनेंसी कोई रोग नहीं है, उसको हमको पहले नॉर्मली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है जिसके कारण व्यंध्यत्व है और उस हिसाब से अगर हम दवाई दे तो आज हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो 50 साल की उम्र में भी पॉसिबल है कि पेशेंट प्रेगनेंसी लेके घर पे जाते हैं, बच्चे लेके जाते हैं। तो ये आप पे है कि आप जो व्यंध्यत्व को किस प्रकार से ले रहे हैं, रोग की तरह ले रहे हैं या ये नॉर्मल कंडीशन ले रहे हैं। और एज ए डॉक्टर मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, आपको खाली उसको समझना पड़ेगा और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। नमस्ते।